जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं जो जो ऑर्डर में है उन बच्चों के से पूछती चली जाऊंगी, ठीक है बेटा? पीपीटी मैंने की है सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया करके, ठीक है? मिल गए ना सबको? ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ड्राई आईज के बारे में, ठीक है? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगी मुझे अर्पिता। हाँ जी बताओ बेटा, ड्राई आईज इज सॉलिड आईज विदाउट वॉटर, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। बस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा बस नाम चेंज कर देंगे, वैसे सब कुछ सेम है। बोलो मैम, क्वेश्चन नंबर 51 से आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सॉलिड CO2, ठीक है? समझ आए, इसको हम CO2 भी बोलते हैं, सॉलिड। वेरी गुड जो आंसर दे रहे हैं चैट में, वेरी नाइस, ठीक है? वेरी गुड साहिब, वेरी गुड आयुष, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन के। हाँ जी, पता नहीं क्या हो रहा है, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है? हाँ जी हुड्डा ईशान, आप बताओ। मैम आंसर डी, विटामिन के। वहाँ विटामिन के इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो, कभी कभी आपने सोचा है विटामिन ए बी सी डी के बाद विटामिन के कहाँ से आ जाता है, ठीक है? ये सारी चीजें साइंटिफिकली मत सोचो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीपशिखा, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट। मैम ऑप्शन बी, वॉशिंगटन DC। वेरी नाइस, अमेरिका। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर है वॉशिंगटन DC। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, परसेंटेज ऑफ लेड। लेड क्या है? एक मेटल होता है इन लेड पेंसिल्स, हम ऐसे बोलते हैं लेड पेंसिल्स, इज 0%, 2%, 4% या 6%। यतिन आप बताओ। यस मैम, मैम वेट, मैम 0%। गुड, 0% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन 55 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हर बार आ जाता है ये क्वेश्चन घूम फिर के ना, हर एग्जाम में है ना, फिर भी कुछ बच्चे गलत बताते हैं। हु रोट आर नेशनल एंथम। ए ऑप्शन इज महात्मा गांधी, बी इज डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, सी इज दादा भाई नेहरू जी, डी इज द बकीम चंद्र चैटर्जी। मैंने पहले भी बताया तीन गाने हैं, एक है आपका नेशनल एंथम, एक है आपका नेशनल सॉन्ग, ठीक है बेटा, एक है आपका गाना सारे जहां से अच्छा, ठीक है? नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और नेशनल एंथम है आपका जनगणमन। तो पहले बताओ, उसके बाद आपको सबसे पूछते हूँ। हाँ जी आरव, आंसर बताओ, 55 का आंसर बताओ आरव द्विवेदी, पहले वीडियो ऑन करो, बोलो। ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी नाइस। स्वेक्षा, हु इज द, नेट नहीं चल रहा है स्वेक्षा का। विक्रांत आप बताओ, हु इज द ऑथर ऑफ, या फिर हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम सॉन्ग। सॉन्ग्स फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड ऑन द वेब इंक्लूड। प्लीज इन डिवाइसेस को आप ना बेटा चुप कर यूज किया करो, बी स्मार्ट, यूज कर भी रहे हो तो एलेक्सा या सीरी आप जो भी यूज करते हो तो थोड़े स्मार्टली यूज करो ना, ठीक है? चलो व्हाटएवर, अभी ना आनंद आप बताओ आंसर बेटा। मैम बंकिम चंद्र चैटर्जी। बिल्कुल, वंदे मातरम इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी और एक गाना था सारे जहां से अच्छा, ठीक है? इट वॉज रिटन बाय मानसी कुमारी। बोलो, कई बार बताया इसलिए पूछ रही हूँ, बोलो। मैम इट वॉज रिटन बाय,
आप बताओ उज्जवल, ये तो क्लास छोड़ के ही भाग गया, मैदान छोड़ के भाग जाएंगे हम, मैदान मत छोड़ो, गलत बताओ सही बताओ पर ट्राई करो, बोलो उज्जवल। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। नेशनल सॉन्ग नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा इज रिटन बाय, किसने लिखा है वो? एम बंकिम चंद्राचार्य जी। अंशिका आप बोलो, क्या तुमने कल परसों ही बताया था, इसलिए बहुत बार बार पूछ रही हूँ, बड़ा दुख की बात है। स्वेक्षा बेटा आपका नेट नहीं चल रहा, मैसेज करो। मैम नेशनल सॉन्ग श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत बुरी बात है बेटा, पूरी क्लास से पूछो तो भी गलत बताओगे आप लोग। आदित्य राज आप बता सकते हो सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मैं मोहम्मद इकबाल। वेरी नाइस, ठीक है मोहम्मद इकबाल इज द करेक्ट आंसर। कुछ ही बच्चे हैं, बहुत कह सकते हैं फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जो सच में मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनको एक्चुअली फायदा होता है। और जो लोग तो क्लास में कुछ बैठे हैं, बस बैठे हैं, जबरदस्ती मम्मी ने उठा बिठा रखा है, शाम का अपना अपना टाइम भी खराब करते हो खेलने कूदने का, क्यों करते हो ऐसा भाई, पढ़ाई कर लो चुपचाप। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू डिड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है समझ आई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉइंगटन, डॉक्टर क्रिस्टन, बर्नार्ड एंड एरिस्टोटल। हाँ जी क्रिश आंसर बताओ इसका, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किस सबसे पहले किसने किया था ट्रांसप्लांटेशन? क्रिश यस मैम बताओ आंसर इसका, यस मैम क्या आंसर बताओ? मैम ऑप्शन डी। रॉन्ग है, बी। हाँ जी आप बताओ अभिनव कश्यप, बोलो बेटा। मैम ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णन बर्नार्ड, ठीक है वेरी गुड। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, ये हमेशा पूछा जाता है, प्लैटिनम, डायमंड, क्वार्ट्ज और गोल्ड। दिव्यांशी बोलो, दिव्यांशी बोलो भाई, बोलो बेटा। मैम डायमंड। इतनी देर कहाँ थी आप, इधर उधर कहाँ घूमने चले जाते हो बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैभव सिंह, बांदीपुर सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, इज सिचुएटेड या लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश? हाँ जी वैभव सिंह बोलो। मैम कर्नाटका। वेरी नाइस, 59th की बात करते हैं। इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट नामची सिक्किम, चुरू इन राजस्थान, मासवरनम मेघालय, धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। शुभम कुमार आंसर दो बेटा इसका। मैम मेघालय। बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, मानसवरम इन मेघालय। वेरी नाइस गुड वेरी गुड, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्तिक राघव बताएगा, हु वॉन द 2016 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? ठीक है मैं 2016 वाला ही पूछ रही हूँ, 2020 वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। जॉन लेनन, बॉब डिलान, रिचर्ड मार्क्स एंड पॉल एमसी कार्टने। राघव जी बोलो जी आंसर जी। मैम ऑप्शन है जॉन लेनन। बिल्कुल रॉन्ग है। अनव जैन आप बताओगे? मैम रिचर्ड मार्क्स। इसे तुक्के वाली बात नहीं करनी ना बेटा, आता है तो बताओ, नहीं आता तो बोल दो मैम नहीं आता, वीडियो क्यों ऑफ करके बैठे हो अभिनव? हाँ जी आप में से कौन बताएगा? एक मिनट दीपशिखा आप बोलो। मैम ऑप्शन बी बॉब डायलन। ठीक है बेटा बॉब डिलान ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखना कभी बॉब डिलान के वीडियोस, अच्छे गाने गाते हो ठीक है। नेक्स्ट इज
हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय द इंडिया इन रियो ओलंपिक्स 2016? हां जी कृष्णा नागर बताओ जी, 2016 में पहले तो रियो ओलंपिक्स हुआ, उसके बाद टोक्यो वाला हुआ, सबको पता नहीं बात? कृष्णा आप बताओ, ए ऑप्शन इज 2, बी इज 3, सी इज 4, फिर है 5, आंसर बताओ करेक्ट क्या होगा? मैम ऑप्शन बी। प्रतीक प्रकाश कभी आंसर दे दिया करो बेटा, क्लास में खाली बैठे रहते हो, बोलो बोलो। कृपा निधान आंसर दो, आप बताओ बेटा। शुभम कुमार आंसर क्या करता है? मैम आई डोंट नो, कर रखा है आपने बेटा। स्वेक्षा बताओ बेटा, नेट सही से चल रहा है तो बोलो। मैम ऑप्शन है 2। हाँ 2, उसमें गोल्ड मेडल 0 थे ठीक है उस टाइम पर 2016 में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ये बार बार पूछा जाता है ना, और बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करती हूँ कि आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में विड्थ टू लेंथ बोला होगा, विड्थ टू लेंथ, नॉट लेंथ टू विड्थ। ये इंपॉर्टेंट है, विड्थ टू लेंथ बोला है, लेंथ टू विड्थ नहीं बोला। बताइए कौन बताएगा इसमें? तो ये तो खैर बहुत इजी है, इसमें तो क्लियर दिख रहा है। मैम 2:3 बोलना नहीं था बेटा, मैंने पूछा नहीं था आपसे, बट ओके नाइस गुड। प्रतीक बेटा आप बेटा क्लास में सबसे बोलूंगी, सब बच्चों प्लीज क्लास में इंटरेस्ट लिया करो, आंसर्स दिया करो, ये आप लोगों की क्लास है, मैं एक एक बच्चे को पूछ के नहीं बोलूंगी गलत सही, ये आप लोग देखो कितना गलत करते हो कितना, पर आप आंसर जरूर दिया करो क्लास में ठीक है। मैं थोड़ा डांट दूंगी तो वो आंसर आपको याद रहेगा एग्जाम के टाइम पे, लाइक अर्जुन सिंह बिल्कुल आंसर नहीं देता, पहले क्लास में काफी एक्टिव था बच्चा, इसे पता नहीं क्या हो गया इसे। बात को समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, क्लास आप लोगों के लिए है, मैं यहाँ रिवाइज करने नहीं बैठी हूँ, या फिर 4-5 बच्चे पढ़ने नहीं आते क्लास में, वही लोग रिवाइज करते हैं, वही पढ़ते हैं, वही आंसर करते हैं, वही हैंड रेज करते हैं। अभिज्ञान आप जो है संधलिया आप कभी आंसर नहीं करते हो, आई नेवर सी कि आपने कभी हैंड रेज किया है कि मैम मैं आंसर बताऊंगा। अभिनव कुमार झा आप बताओ आंसर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेज, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड मैम ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब ठीक है, जो आपको इंटरनेट पे यूज करते हो ना WWW ऐसे करके करते हैं जो किसी भी हम ये क्या कहते हैं ठीक है। चलो नेक्स्ट इज टू व्हाट गेम इज चाइना मैन इज रिलेटेड? हॉकी, स्क्वैश, बैडमिंटन, क्रिकेट। अब है उलान आंसर दो, बोलो सॉरी। कृष्णा नागर आंसर दो, बोलो If you don't know the answer, please don't waste the time. बोल दो मैम नहीं आता। स्वेक्षा आंसर दो बेटा। मैम क्रिकेट। प्रतीक प्रकाश करेक्ट है बच्चे आंसर? सॉरी हाँ गया ये बच्चा, फिर से हैंड रेज करना प्रतीक ठीक है। हाँ जी आप बताओ, ईशान हुड्डा करेक्ट है चाइना मैन, क्योंकि क्वेश्चन एक बार और करवाया मैंने, सही कह रहा था भाई? यस मैम बिल्कुल ठीक है। चलो Who was the director of film Gandhi? Satyajit Ray, ठीक है, Bud Lochie, ठीक है, Richard Attenborough, William Wallace। हाँ जी दीपशिखा जी बोलिए बच्चे। मैम ऑप्शन सी बिल्कुल, Richard Attenborough, ठीक है। नेम द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, बंगाल गैजेट, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखो ओल्डेस्ट में तो यहाँ पर बंगाल गैजेट है अगर बात करें तो, बट एग्जिस्टिंग जो अब तक एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, यतिन शर्मा समझ आ रहा है जो अब तक एग्जिस्ट, अब तक चल रहा है, दैट इज बंगाल गैजेट, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई समाचार या द हिंदू। हाँ जी बताओ दीपशिखा, नहीं नहीं अर्पिता बोलो। मैम ऑप्शन सी मुंबई समाचार। बिल्कुल सही है, इट वॉज जब ये स्टार्ट हुआ था इट वॉज बॉम्बे समाचार। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी पुराना है और द हिंदू भी पुराना है, ठीक है, पर जो इनमें से ओल्डेस्ट है वो मुंबई समाचार। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। द क्रिकेट बैट इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम विच वुड, टीक, विलो, यू, या सिदार। हां जी यतिन शर्मा बोलो। यस मैम। बोलो बेटा। यस मैम। मैम जो मैम बी ऑप्शन। बिल्कुल विलो इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये 2016 की बात हो रही है, ठीक है, अभी वाला बताना है आपको। हाँ जी कौन बताएगा मुझे अभी वाला जो कर लेटेस्ट है, सिरी एलेक्सा से पूछ के ही बता दो, है ना, साइड में तुम लोग बताओ, एलेक्सा और सिरी रख के बैठे रहते हो, पढ़ लो भाई इसे पेपर में, तभी तो तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं। हाँ जी आदित्य सॉरी बिल्कुल वैभव यू आर करेक्ट, यदि नहीं आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, बिल्कुल क्रिश, ठीक है आप बताओ अनव आंसर, करंट न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अनव। मैम आई डोंट नो। कोई बात नहीं, ओके प्रतीक प्रकाश आप बोलो। मैम जनरल बिपिन रावत। बेटा ये पुराने की बात हो रही है, करंट 2022 साहिब मल्होत्रा। ओके मैम। मैम मुकुंज कुंड, मैम उसके आगे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ट्राई अच्छा था। क्रिश ऐसा करो तुम स्क्रीन में से बाहर निकल के आंसर दे दो, इतने एक्साइटमेंट है, मैसेज कर दो मुझे। चलो बताओ क्रिश बताएगा बोलो। मैम जनरल मनोज पांडे। वेरी नाइस, ठीक है जनरल मनोज पांडे इज द करेक्ट आंसर, गुड वेरी नाइस। बेटा ध्यान से सुना करो, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है ना, आप एक बात सुनो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल, अब पूरे एक साल हो गए, ठीक है, मैं ये कह के परेशान हो गई, बेटा आर्मी से रिलेटेड न्यूज तो सुन लिया करो, कम से कम अपडेट रखा करो अपने आप को। आप सबके पास नेट है, आप सबके पास गूगल है, आप सबके पास सिरी है, कुछ ही के पास तो एलेक्सा है, कुछ ना कुछ है ही, सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब इन डिवाइसेस के होते हुए भी आपको करंट चीफ मिनिस्टर नहीं, कुछ कुछ करंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं पता होगा क्लास में, करंट प्रेसिडेंट नहीं पता है, कुछ चीजें तो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी ना। मैं क्लास में बताती रहती हूँ फिर भी आप याद नहीं करते हो, ठीक है। अब आज का होमवर्क सुन लीजिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपने याद करना है, लेटेस्ट जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मैं क्लैप कर रही हूँ, पर जिनको नहीं आता है वो याद करेंगे यार। एंड चीफ ऑफ नेवी और आपके जो है क्या कहते हैं आर्मी और एयरफोर्स, ये सबको याद करना है आपको, ठीक है, कल की क्लास में अब तक याद होने चाहिए आपको ये सारी चीजें, ठीक है जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो याद होना चाहिए, ये छोटी मोटी चीज आपको एवे, जब आप पेपर भी नहीं दे रहे हो ना तो भी आपको याद होनी चाहिए नॉर्मली भी, ठीक है। चलिए द नेम डब्बा वालाज इज रिलेटेड टू विच सिटी, ये कपिल शर्मा शो में भी आए थे, ठीक है। अब ये सब चीजें खुद ही आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी ना, इनके लिए कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए। आदित्य सिंह बताओ। मैम नागपुर। नागपुर नो, चलो ट्राई अच्छा था बट गलत था। आदित्य राज, एक तो इतने सारे आदित्य हैं क्लास में, आदित्य सिंह अलग है, आदित्य राज अलग है, बोलो। मैम बेंगलोर। रॉन्ग है, दिव्यांशी आंसर दो। मैम न्यू दिल्ली। ठीक है बिल्कुल, देखो स्वेच्छा आंसर दो। मैम मुंबई। देखा करेक्ट आंसर मुंबई है, सारे आंसर देते सारे तुक्के दे दिए पर सही वाला तुक्का नहीं पकड़ा तुम लोगों ने, ठीक है, मुंबई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे बहुत इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आजकल इसका इंटरेस्ट कम हो गया इसमें क्योंकि काफी पूछ लिया है एग्जामिनर से। हाँ जी प्रतीक बताओगे आप आंसर। 20 जून, 21 जून, 21 सितंबर, 21 मई, बोलो।
मैम 21st में क्रिश नहीं अंशिका बताओ आंसर तो अंशिका मैम 21 सितंबर रॉन्ग है अभिनव मैम 21 जून ठीक है 21 जून इज द इम्पोर्टेंट डेट ठीक है इट इज इंटरनेशनल योगा डे कम से कम अपनी इंडिया के अचीवमेंट्स तो याद रखा करो व्हाट इज पोटैटो मैम अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आलू पोटैटो मतलब आलू इट्स सो सिंपल ना सही कह रही हूँ वैभव सिंह आंसर बताना बेटा इट्स अ ब्रांच स्टेम रूट या नन ऑफ दीज इट्स सिंग मैम इतना सिंपल आपको नहीं पता इट्स आलू बोलो मैम मैम रूट ठीक है हाँ जी हाँ जी बोलो शुभम कुमार आंसर दो क्या तो था क्या दिया था यस मैम स्टेम स्टेम इज द करेक्ट आंसर वैभव का आंसर नहीं आया था वो अपनी मम्मी को कह रहा दिया तो था मैंने स्विमर्स गो ग्लो द सरफेस ऑफ वाटर एक्सप्लोर द सी लाइफ व्हाट इट इज कॉल्ड स्कूबा डाइविंग स्काई डाइविंग बंजी जंपिंग या कैनोइंग हाँ जी बोलो आप फिर से वैभव बताओ आप इसे पूछूंगे मैम स्कूबा डाइविंग ओके स्कूबा डाइविंग वेरी नाइस गुड ठीक है इसमें बहुत डर लगता है इसलिए स्कूबा डाइविंग ठीक है इट्स अ करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन 6, 7, 5, 4 आप बोलो आरुष मंडल सबसे इजी क्वेश्चन इस पेपर का यही लगा मुझे मैम B7 अरे भगवान ये भी गलत कर दिया बेटा आपने अभिनव कुमार जा क्या कर दिया मैम 6 हाँ ऐसे करता अभिनव ने ऐसे जैसे एक्सप्रेशन देखो क्या कर दिया गलत कर दिया बताओ आज बिल्कुल सही है 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर अ स्ट्रिप ऑफ वाटर बिटवीन टू पीसेस ऑफ लैंड इज कॉल्ड स्ट्रेट पेनिनसुला गल्फ इस्थमस हाँ जी राइशा वर्मा आंसर दोगे बच्चे 74 का मैम ऑप्शन बी पेनिनसुला रॉन्ग सौभाग्य वर्धन आंसर दो अभिनव आपका आंसर सही है बिल्कुल हाँ जी बोलो अर्जुन सिंह बोलो एक्सक्यूज मी मम्मा स्ट्रीट मैम स्ट्रीट हाँ जी ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा कोई और स्ट्रीट से पूछ रही हूँ ना बेटा वो बताओ ठीक है ऐसे अपने आप मत बताओ वेरी गुड आंसर सही था द टर्म बनाना किक इज एसोसिएटेड टू विच गेम हाँ जी बनाना किक जो है वो किस गेम से रिलेटेड है एसोसिएटेड है हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हाँ जी आप बोलो बेटा उज्जवल मैम यू अनम्यूटेड नहीं इसको अनम्यूट किया मैंने अर्पिता नहीं आप इसको नहीं बताना आपसे मैं 2-3 पूछ चुकी हूँ फुटबॉल वॉलीबॉल हैंडबॉल बास्केटबॉल बोलो भाई कहाँ गया उज्जवल बोलो बच्चे अनम्यूट करो बेटा मैम मैम आई थिंक इट्स हॉकी बट हॉकी तो ऑप्शन में नहीं दिव्यांशी हाँ जी आप बोलो बेटा अभिनव कश्यप आंसर दो मैम ऑप्शन ए फुटबॉल ठीक है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मस्कार अभी अभी बताया था कुछ दिन पहले जनरल साइमन जनरल स्मिथ जनरल डायर जनरल माया प्रतीक आप बताओ प्रतीक आंसर दो बोलना नहीं है जिससे बोला वो बोलेगा प्रतीक प्रकाश बोलो मैम जनरल जनरल तो दिख रहा है बेटा बट कौन सा वाला मैम बी रॉन्ग है आप बताओ क्रिश ग्रुप 2 मैम जनरल डायर
जनरल डायर इज अ करेक्ट. हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मनोहर पारिकर, कालराज मिश्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन या राजनाथ सिंह? कौन है भाई सही वाला? हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हां जी दीपशिखा बोलो. यस सर. मैम करंट बताना है. करंट बताओ. करंट यस मैम. करंट है बशीर सलीम अगासी. क्या? बशीर सलीम अगासी. ना 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 ना. हां जी ईशान हुड्डा आंसर बताओ. करंट टू डिफेंस. यस मैम. मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हु इज द डिफेंस मिनिस्टर? अर्पिता आप बताओ. देखो बेटा करंट ही बताना होता है. अगर आपसे डिफेंस मिनिस्टर पूछा जा रहा है तो यू शुड नो कि उसके बारे में मैं करंट के बारे में ही पूछ रही हूँ. अर्पिता बोलो आंसर क्या होगा. मैम ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ही है. बिल्कुल राजनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर. उस टाइम पर जो थे वो मनोहर पारिकर थे. बट हमें उस टाइम से क्या मतलब. हमसे करंट पूछे. कोई आपसे अगर पूछ रहा है कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है तो तुम बोलोगे हमारा यूपी सैनिक स्कूल का पेपर का मैम ने सोल्यूशन करवाया था तो उसमें 2016 के लिए मनोहर पारिकर थे पर अभी राजनाथ सिंह है. ठीक है. इट लुक्स डिफरेंट और थोड़ा सा लगेगा यार ये बच्चा कितना पागल है इसको 2016 का मैंने पूछा ही नहीं. डोंट बी सो ऑफिशियस. उतना ही बताओ जितना पूछ रहा है. हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट करंट डिफेंस मिनिस्टर. ऑब्वियसली सी बात है. ठीक है. अब पेपर 2016 में जाके थोड़े ना दोगे. अब टाइम मशीन थोड़े ना आपके पास. या एग्जामिनर को लगेगा नहीं नहीं मैडम ने वो करवाया ये तो गलत बात है. हम ऐसे बच्चे के साथ कैसे कर सकते हैं. हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अरुण जेटली, हर्षवर्धन? हाँ जी आदित्य सिंह बोलो. मैम अरविंद केजरीवाल. हाँ जो कि तब भी थे अब भी हैं. ठीक है. और पूरी तरीके से दिल्ली को बर्बाद करके ही रहेंगे. ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं. हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन 14th अक्टूबर, 14th सितंबर, 14th नवंबर, 14th मार्च? हाँ जी हु विल टेल मी द करेक्ट आंसर? स्वेच्छा सागर आंसर दो. मैम 14th नवंबर. हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जॉर्ज वॉशिंगटन, जेएस मिल, जेन जैकब, जैसे रोशम, अब्राहम लिंकन. लिंकन सॉरी किसने बोला था ये? दीपशिखा बिल्कुल सही है अब्राहम लिंकन. अब मैं जल्दी जल्दी करवा दे रही हूँ. दो मिनट के अंदर मैं सारे आंसर्स बोल देती हूँ. रिक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ विंड, डेप्थ ऑफ द ओशन, वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने टाइम नहीं लगाया. राउल्ट एक्ट अभी मैंने कुछ दिन पहले टाइमलाइन करवाई थी ना आप लोगों को क्रिश है ना. इट इज पास्ड ऑन ए ऑप्शन 1913, बी इज 1915, सी इज 1917 एंड डी इज 1919. आपको बताया था और इम्पोर्टेंट है देख लो पेपर में भी आया हुआ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज अ पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर कर्नाटका? सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज राजस्थान इज अ स्टेट वेयर द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. When the Earth is nearest to the Sun in its orbit, it is called to be. It's said to be equinox. No, equinox में तो day and night जो है वो same होते हैं. It is perihelion. इसमें spelling गलत लिखी हुई है. Perihelion जो है और aphelion. ठीक है ये होता है perihelion और ये होता है aphelion. तो a correct answer for this question is perihelion. ठीक है. जब वो पास होता है तो पेरिलियन और दूर होता है तो एप्लियन. और सोलिस्टिक आपको बताया था विंटर सोलिस्टिक और विंटर समर सोलिस्टिक अलग कॉन्सेप्ट है. राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइंड बाय? ठीक है जो आपका न्यू दिल्ली का कॉन्सेप्ट है वो किसने डिजाइन किया है या फिर राष्ट्रपति भवन उसी के अंदर आता है. एडवर्ड स्टोन, एडविन लुटियंस या तरुण दत्त एंड या ली कैबर्सन? तो एडविन लुटियंस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है 86 पर पहुंचते हैं. हु वॉन द रमन मैग्सेसे अवार्ड? इसको 2016 वाले को वैसे हम नहीं कर रहे हैं बट इसका आंसर था उस टाइम का बेजवादा विल्सन. द बुक सिक्स मशीन इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ युवराज सिंह, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग या एपी डेविलियर्स? ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रिस गेल. ठीक है समझ आ गया किस कंट्री को बिलोंग करते हैं क्रिस गेल सबको पता है. हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? दैट टाइम सुमित्रा महाजन थी. 2016 की बात हो रही है ये. ठीक है अभी कौन है स्पीकर ऑफ लोकसभा? ओम बिरला. जो करंट है वो ओम बिरला है. उस टाइम के हिसाब से आंसर ए था बट हमें तो करेक्ट आंसर चाहिए तो वो ओम बिरला होगा जो करंट है. ठीक है. द गैस प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इज
CO2. Everyone knows about it. Carbon dioxide is responsible for the global warming to raise the temperature. ठीक है. Full form of AM, anti meridian, option A. ठीक है. Next is who prepares maps and charts? Cartographer बोलते हैं उसको बेटा, है ना. Next question. Who is the Secretary General of United Nation? ये उस time की बात हो रही है. आज की आज जो है आपके Antonio Guterres है. Antonio करके है. ठीक है. अब who is the capital of Mizoram? Azawal. ठीक है. Next question is what is the term of the Rajya Sabha member? 6 years. ठीक है. What is the permanent number of UN Security Council? 5. ठीक है. सबको पता है. ठीक है. और भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में. हु इज द फ्लैग बेयरर ऑफ द इंडिया एट द रियो ओलंपिक्स 2016? ठीक है. दैट इज अभिनव बिंद्रा वाज द आंसर. व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज? राजस्थान. और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बोलते तो उत्तर प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच स्टेट? आंध्र प्रदेश. ठीक है. हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अभी देखो हमने लेटेस्ट जो टाइमलाइन पढ़ी थी याद है उसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं इस बार. 5-6 क्वेश्चन बने हैं. ठीक है. डब्ल्यू सी बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, जी के गोखले या फिर ए ओ ह्यूम इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. 99 के बाद 100 फॉर द टाइम डिफरेंस ऑफ 1 आवर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इज इक्वल टू? याद है आपको 15 degree इज इक्वल टू 1 आवर. याद करवाया था ना मैंने. 360 degree इज इक्वल टू 20. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.